तो हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है गाइस, मैं शाम के 6 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अब मैंने अपना फेस ढक रखा है तो इससे भी आपको लग रहा होगा कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि गाइस, मैं दिखाना नहीं चाहती आप लोगों को, पर ब्लॉगिंग करना मेरा काम है, मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो फिर ये चीज़ भी दिखाना आपको ज़रूरी है कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो गाइस, मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लूँ, क्योंकि बुखार जो है मेरा वो बहुत कम है। 2 दिन तक तो ऐसी हालत थी कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि ब्लॉगिंग कर लूँ या कुछ भी कर लूँ। बट आज जो मेरा बुखार है ना, वो काफ़ी हद तक कम है, तो मैंने सोचा आप लोग से बात कर लेती हूँ थोड़ा सा। गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना ये कौन सी बीमारी है, इसका नाम मतलब आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं। मेरे यहाँ इसको गालू बीबी कहते हैं। और मैं अपना फेस दिखाने जा रही हूँ। गाइस, आप लोग प्लीज़ गंदे कमेंट मत करिएगा, क्योंकि ये बीमारी है और कुछ ऊपरी चक्कर भी होता है ऐसा कहा जाता है। तो ये ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। वैसे लगभग आज तो सोमवार को रात को ही हुआ है 11 बजे 10 बजे, बट आज है बृहस्पतिवार, तो अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि ये ठीक हो रहा है। मतलब आज हम बहुत हार गए गाइस, क्योंकि आज सुबह से मैंने एक दाना अनाज का नहीं खाया। कल बिस्किट खा लिया था मैंने, 2 चम्मच खिचड़ी भी खा लिया था, बट आज ना कुछ नहीं घोटा जा रहा है, क्योंकि आज यहाँ ऐसे यहाँ फूल गया है, तो आज कुछ नहीं घोटा जा रहा है। तो अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि पतिदेव ना हैरान हो गए हैं, कह रहे हैं जब इंसान खाएगा नहीं तो हिम्मत कैसे लगेगी, जांगर कैसे लगेगा। तो वो चले गए हैं, डॉक्टर की दुकान जो है बंद थी जहाँ हमें दिखाना है, तो अभी चले गए हैं वो देखने कि चालू है कि नहीं। आते हैं फिर जाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस मेरी हालत क्या हुई है। आप देख सकते हो, देख रहे हो, गाइस ये इतना टाइट हो गया, इतना दर्द हो रहा है ना, मैं आपसे बता नहीं सकती कि कितना दर्द कितना पेन हो रहा है यहाँ पे। या आप लोग देख सकते हो, ये चीज़ जो है ना, ये पूरा अंदर तक सूज गई, जो हमारे खाना पानी खाने की अंदर की वो होती है वो आपस में जाके चिपक गया है, इतना दर्द होता है। मैं पानी भी नहीं पी पा रही हूँ, पाइप से पानी पी रही हूँ, पाइप से कुछ भी जूस पी रही हूँ, यही कर रही हूँ, तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आज 4 दिन पे गाइज मैंने अभी अपने बाल कंघी किए, हस्बैंड जी ने लटवट छुड़ा दिए हैं, तो 4 दिन पे अभी मैंने बाल गूथे हैं, क्योंकि बाल की ऐसी हालत हो गई, इतना बाल निकला। और अब जा रहे हैं गाइज हम डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि सब लोग मना कर रहे थे मत दिखाओ मत दिखाओ सही हो जाएगा, पर गाइज आज 4-5 दिन हो गए, कोई चेंजेस नहीं, कोई फ़र्क नहीं दिखा। तो भैया अब ऐसा नहीं करेंगे हम, अब डॉक्टर को दिखाएंगे और सही करेंगे। तो मुझे वीडियो बनाना इतना गंदा लग रहा है गाइज, मेरा फेस है मुझे इतना गंदा लग रहा है। मैं पता है जब से मुझे हुआ है ना, मैं अगर बालकनी में भी निकलती हूँ तो अपना चेहरा ढक के निकलती हूँ। और आज 4 दिन हो गए गाइज मेरे घर में खाना नहीं बना। हस्बैंड जी कभी मेरे लिए 2 चम्मच खिचड़ी बना देते हैं, कभी अपने लिए रोटी सब्जी कुछ बना लेते हैं। ऐसी हालत हो गई ना, मुझसे तो खड़ा नहीं हो जा रहा है, क्योंकि बुखार ने ना पूरा शरीर एकदम तोड़ के रख दिया, इतना हद तक बुखार हो गया था सच में, क्या बताऊँ। तो चलते हैं गाइस डॉक्टर को दिखा के आते, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर वो दवाई देंगे तो शायद कल परसों तक बच जाए। चलिए आपको भी वहीं मिलते हैं चल के। और प्लीज़ गाइस आप लोग गंदे कमेंट मत करिएगा मेरे चेहरे को लेके, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी मुझे पेन थोड़ा सा कम हुआ तो मुझे लगा मैं आप सबसे बात कर लूँ, आप सबको भी अपनी परेशानियाँ अपनी प्रॉब्लम दिखाऊँ। तो बहुत से लोग हैं ना जिन्हें लगता है ये सब नखड़ा है, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे कितना पेन कितना दर्द हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मेरी आवाज़ बहुत एक्टिव रहती है, बट कल परसों से आप लोग देख सकते हो मेरी आवाज़ बहुत स्लो हो गई है, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। अभी आप लोग से बात कर रही हूँ ना, तो सच में बहुत हिम्मत करके कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ गाइस आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप क्या हैं इसे क्या कहते हैं।